सो ये लॉकडाउन का टाइम है जहाँ पे हम मेनली अपने घर पे रहते हैं। आई फील ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है एक रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए। हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कवर किया था कि शाहरुख खान के सक्सेसफुल होने का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो बुक रीडिंग बहुत करते हैं। शाहरुख खान अकेले नहीं है, ऐसे बहुत सक्सेसफुल लोग जैसे कि इलॉन मस्क, बिल गेट्स, बैरक ओबामा जैसे लोग बुक्स पढ़ते हैं जो कि अपनी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल है। सो आज की इस वीडियो में हम ऐसे 10 टिप्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपको रीडिंग की हैबिट डेवलप करने में हेल्प करेगा। Hi everyone, my name is Divyansh Chuteja. I am a self-improvement content creator on Instagram and now on YouTube. तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट होने वाला है वो होने वाला है रिगार्डिंग माइंडसेट, मोटिवेशन, लाइफ लेसन, बुक समरीज और बहुत सारी चीज़ें। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है यार, बट आई एश्योर यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप इस लॉकडाउन में रीडिंग की हैबिट डेवलप कर सकते हो। हम पता है इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं और हम इंस्पायर होते हैं कि हमें बुक रीडिंग करनी है, बट वो हैबिट हम मेंटेन नहीं कर पाते ना हम स्टार्ट भी कर पाते हैं। बट इस वीडियो में मैंने 10 ऐसे टिप्स शेयर करे हैं जो कि आपको बुक रीडिंग स्टार्ट करने में हेल्प करेंगे ही, बट साथ में उस हैबिट को मेंटेन करने में भी बहुत हेल्प करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलो पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहले पॉइंट का नाम है पर्सपेक्टिव ऑफ रीडिंग। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब प्रोफेसर्स क्लास में पढ़ा रहे होते थे कॉलेज में, मैं लास्ट सीट पे बैठ के सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स पढ़ रहा होता था। क्यों पढ़ रहा होता था? ये मैं इसलिए पढ़ता था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। अब मेरे इस एक्सपीरियंस से आप एक लेसन सीख सकते हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग जो हम हैबिट डेवलप करना चाहते हैं वो आउट ऑफ इंटरेस्ट करी जाती है। हाँ, रीडिंग बहुत हेल्पफुल है, बहुत लाइफ चेंजिंग है, बट उसका मजा तभी है जब आप इंटरेस्ट से बुक पढ़ो, जब आप उसे सीखने के पर्पज से बुक पढ़ो। तो ये बुक का इंटरेस्ट पहले आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे बुक रीडिंग सही में सीखनी है, सही में ग्रो करना है। ऑलराइट, सो सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट का नाम है पिक अ जॉनर। बहुत सारे जॉनर्स होते हैं इस बुक वर्ल्ड में, साइंस फिक्शन, फैंटेसी, रोमांस, हॉरर, सेल्फ हेल्प, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत सारे जॉनर। ये आपको चूज करना है कि आपको कौन सी चीज़ में इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखनी चाहिए कि रीडिंग में आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है। अगर डेवलप हो गया ना इंटरेस्ट, तो आप बहुत सारी बुक्स पढ़ लोगे। ये चीज़ आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए कि एक बंदा बहुत सारी बुक्स पढ़ सकता है अगर उसका इंटरेस्ट है, बट वो एक बुक भी ढंग से नहीं पढ़ सकता अगर उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ओके, सो थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है चूज़ योर फर्स्ट बुक। हाँ, आपने चूज़ कर लिया ये जॉनर कि मेरे को सेल्फ हेल्प में बुक्स पढ़नी है फॉर एग्जांपल, तो अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है। क्योंकि ये बात समझो कि फर्स्ट एक्सपीरियंस जो होता है ना वो बहुत मैटर करता है। अगर आपका पहला एक्सपीरियंस बुक्स के साथ थोड़ा गंदा रहा है, थोड़ा मुश्किल सा रहा है, तो आप और बुक्स नहीं पढ़ोगे, आप थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करोगे। बट अगर आपका पहला एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो आप मोटिवेटेड हो गए, आप और ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे। तो रिसर्च करो, थोड़ा सोचो कि आपके लिए सबसे हेल्पफुल बुक कौन सी रहेगी, रिसर्च करो एंड फर्स्ट बुक खुद चूज़ करो। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है सेट अ रीडिंग गोल। मैं आपसे कहूँ कि ये बुक खत्म हो जानी चाहिए, मुझे नहीं पता कितने टाइम में, बस खत्म हो जानी चाहिए। क्या आप करोगे? मे बी नॉट, बट मैं आपको कहूँ कि ये बुक ना 150 पेजेस की है, डेली 15 पेज पढ़ो एंड 10 दिन में ख़त्म कर दो। क्या आप करोगे? बिल्कुल करोगे, क्योंकि यहाँ पे गोल है वो चैलेंजिंग भी है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि बुक रीडिंग की हैबिट अगर डेवलप करनी है तो डेली का एक रीडिंग गोल होना चाहिए। जब मैं बुक रीडिंग स्टार्ट करा था तो मेरा गोल बस इतना रहता था कि मुझे डेली 10 पेजेस पढ़ने हैं। 10 पेजेस पढ़ने के बाद मुझे लगता था कि हाँ, आज का कोटा खत्म। ये हमें बस 21 डेज तक करना है। जब वो हैबिट डेवलप हो जाती है देन आप लेवलअप कर सकते हो और अपनी रीडिंग हैबिट को और बेटर बना सकते हो। ओके, सो फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है स्टार्ट स्मॉल। हर बड़े की शुरुआत छोटे से होती है। अगर आपको बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है तो आपको छोटे स्टेप्स लेने चाहिए सबसे पहले, जैसे कि आर्टिकल्स पढ़ना, न्यूज़पेपर्स पढ़ना, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना। इससे आपका रीडिंग में एक इंटरेस्ट डेवलप होगा जो कि आपको मोटिवेट करेंगे बड़े स्टेप्स लेने में, जैसे कि एक बुक रीड करना। ओके, सो हियर कम्स द सिक्स पॉइंट जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सराउंड योरसेल्फ विद रीडर्स। आप एक रीडर के पास चले जाओ, उसके पास हज़ार रीजंस होंगे आपको मोटिवेट करने के लिए कि क्यों बुक रीडिंग इंपॉर्टेंट है। आप एक नॉन रीडर के पास चले जाओ, वो आपको हज़ार रीजंस देगा कि क्यों बुक रीडिंग वो नहीं करता है। अब इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। सो मैं रोहतक हरियाणा से बिलोंग करता हूँ एंड मेरे एक कज़न हैं जो कि दिल्ली साइड में रहते हैं। उनको बुक रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, उन्होंने लगभग 2 से 3 हज़ार बुक्स तो पढ़ ही रखी होंगी। तो जब भी मैं उनसे मिलने जाता हूँ, मैं उनके बुक शेल्फ में तो ज़रूर देखता हूँ कि उन्होंने रिसेंटली क्या बुक्स पढ़ी। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने इस बुक से क्या सीखा, मुझे भी कोई बुक रिकमेंड करो यार। वहाँ पे उनके साथ टाइम स्पेंड करके मुझे ये रियलाइज़ होता है कि जो मैंने बुक्स पढ़ी है ना यार, वो बहुत कम है, अभी मुझे और ज़्यादा पढ़नी है। ये फ़ायदा होता है खुद को सही एनवायरनमेंट में सराउंड करके। तो अगर आपको एक रीडर बनना है ना, तो अपने आप को सही एनवायरनमेंट में सबसे पहले ढालो। जो रीडर्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनसे बुक समरीज डिस्कस करो, उनको बुक्स रिकमेंड करो, उनसे बुक रिकमेंडेशंस लो कि आपको ये बुक इस फील्ड में पढ़नी है तो आपको ये बुक रिकमेंड करो ना। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा आप ग्रो भी करोगे। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ कम्युनिटी जहाँ पे रीडर्स हैं, जहाँ पे आप लोग सीखते हो।
ओके, सो सेवन्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेवन्थ पॉइंट का नाम है फॉर्म अ रूटीन। आपको लाइफ में कोई चीज़ भी अगर डेली करनी है ना, तो उसका एक रूटीन बना लो। मेरा रूटीन ये रहता है कि रात को सोने से पहले मुझे बुक पढ़नी ही पढ़नी है। ये इंश्योर करता है कि मैं डेली बुक रीडिंग करूँ। आप खुद के लिए एक रूटीन बना सकते हो कि सुबह उठ के आप बुक रीड कर रहे हो, या आफ्टरनून टी के साथ आप बुक रीड कर रहे हो, या रात को सोने से पहले आप बुक रीड कर रहे हो। सिर्फ एक रूटीन होना चाहिए। आई नो पॉसिबिलिटी है कि रूटीन बनाने में स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, बट इन द लॉन्ग रन ये इंश्योर होगी बात कि आप डेली बुक रीड कर रहे हो एंड आपकी वो हैबिट डेवलप होगी। एट्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है पेशेंस। आप बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप कर रहे हो, बट वो काफ़ी ज़्यादा टाइम मांगती है। कभी कभी ऐसा होगा कि बुक रीडिंग का मन नहीं कर रहा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि टाइम नहीं मिला। उस टाइम पर टेंशन मत लो। आप ये बात याद रखो कि आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए एक नई हैबिट डेवलप कर रहे हो, विच इज़ टू स्टार्ट रीडिंग बुक्स। प्रोसेस को एंजॉय करो एंड धीरे धीरे वो हैबिट डेवलप हो जाएगी। ओके, सो नाइन्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है एक्सप्लोर न्यू जॉनर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक पर्टिकुलर जॉनर की इतनी ज़्यादा बुक्स पढ़ लेते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाते हैं। तो उस वक्त यूँ करो कि आप नए टाइप ऑफ बुक्स को एक्सप्लोर करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। एक पर्टिकुलर जॉनर की बुक पढ़ के कभी कभी इंटरेस्ट छूट जाता है, जिससे चांसेस आर कि आपकी वो हैबिट ही छूट जाए। तो नई टाइप ऑफ बुक्स को एक्सप्लोर करो। अगर एक सेल्फ हेल्प रीडर हो तो फिक्शन ट्राई करो, और अगर एक फिक्शन रीडर हो तो नॉन फिक्शन ट्राई करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लर्निंग मैटर्स द मोस्ट। आपने बुक से क्या सीखा और क्या इंप्लीमेंट किया वो ज़्यादा मैटर करता है, इंस्टेड कि आपने कितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ी। मतलब अगर आपने एक बुक से जो भी सीखा आपने वो सब इम्प्लीमेंट किया एंड आपने महीने में बस एक बुक पढ़ी है, वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड कि आपने महीने में चार बुक्स पढ़ी हैं एंड आपने कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो ये थे वो 10 टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करने में। आपको इनमें से सबसे इफेक्टिव पॉइंट कौन सा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताओ। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल देन, टॉक, लाफ एंड इंस्पायर।